अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा वकास। ने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक ड्रेस स्टिच कर रही थी, वो मैंने डाल दिया था वहाँ पे कि मैं ये स्टिच कर रही हूँ। तो सब लोगों ने ड्रेस का तो मुझसे पूछा नहीं, मशीन का बहुत ज़्यादा पूछा है। आप ही मशीन बता दें, मॉडल बता दें, ये बता दें। तो मैं आज की वीडियो में वो मशीन दिखा देती हूँ अपनी, और मैं उसको कैसे कैसे यूज़ करती हूँ। मेरे पास बहुत ईजी टू यूज़ है, जापानी मशीन है। इससे ना ओवरलॉक और पीको हो जाती है, सबसे अच्छी बात जो इसकी है। और जिगजैग सिलाई चाहिए आपको, स्ट्रेट, बड़ा टांका, छोटा टांका, सारा कुछ कैमरा से दिखाती हूँ मैं, सिलाई सिलाई करके सारा कुछ आपको। मेरी कैसी ये मेरी मशीन है, नीचे रखी हुई है, मैं काम कर रही थी। वो देखिए वहाँ पीछे सामान भी पड़ा हुआ है, वो मेरा ड्रेस आया था कल, तो उसकी ओवरलॉक नहीं हुई थी, मैं वो कर रही थी। खैर, ये मेरी मशीन है, सिंगर की मशीन है। यहाँ पे देखिए ब्रांड नेम लिखा हुआ है, ओरिजिनल है ये सिंगर की। ऐसे खुलती है ये, मैं आपको बैक साइड से दिखा देती हूँ ठहरने पहले। तो ये देखें, ये इसकी बैक साइड है, ये इसके अंदर का, इसके अंदर से ये इसका स्टैंड होता है। जब इसको ऐसे खोलती हूँ तो ये मशीन लॉक हो जाती है। इसको मैं इस तरीके से आसानी से उठा के जहाँ मर्जी ले जाना हो ले जाती करोगे तो ये लॉक हो जाएगी, ऐसे करूँगी तो ये खुल जाएगी। ये इसका मैंने उतार दिया ऊपर से कवर। अब अंदर से है ये इस तरह की, तो ये सीधी है। ये इसका नेम है, इस पर लिखा हुआ है मोनिका सिंगर, और इसका मॉडल जो है वो है 5200। ये नज़र आ रहा है आपको, ये इसका है मॉडल नंबर, ठीक है। बताता है अडॉप्टर, ये वाली जितनी भी मशीनें होती हैं ना, ये सब अडॉप्टर के साथ यूज़ होती हैं। अगर आप इनको अडॉप्टर के बगैर यूज़ करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी मैं इसको कनेक्ट करती हूँ बिजली से। तो ये इसकी वायर है, ऐसे आप खींचोगे इसको, यहाँ से अडॉप्टर में लगाओगे तो ये ऑन हो जाएगी। जब आपका जितनी मर्ज़ी आप इसमें से निकाल लें, ये वापस इसके अंदर चली जाती है, ऐसे वापस इसके अंदर चली जाएगी। जब दोबारा यूज़ करनी तो फिर निकालें और फिर यहाँ से डॉक्टर में लगाएं, और यहाँ पे इसका बटन है ऑन ऑफ का, ऐसा ऑन हो जाती है, ऐसे ये ऑफ हो जाती है। हो गया, इसकी लाइट जल गई है, ये देखें येलो कलर की। अब उसके बाद यहाँ से इसका बटन है, उससे मैं ऑन करूँगी तो ये देखें इसके नीचे यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। बल्ब चूड़ी वाला है, 110 वोल्टेज का। यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा सिटल वगैरह रखी होती हैं। पहले मैंने शॉकिंग पिंक लगाई हुई थी, अभी मैं वाइट लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने ड्रेस को जो है ओवर लॉक भी करना है इस वजह से। सबसे पहले मैं आपको नलकी लगाना सिखा देती हूँ। इसके अंदर इसका और सामान भी पड़ा हुआ है, जैसे कि इसके पैर पड़े हुए हैं पीको वाले, ओवरलॉक वाले, ये इसका एक पैर पड़ा हुआ, दो तीन पैर पड़े हुए हैं। पैर लगाना इसका बहुत आसान है, वो भी मैं आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगी। मैंने यहाँ से ऐसे डाली है, इस तरीके से डालनी है, ये देखें ऐसे, ये मैंने यहाँ से डाली है। उसके बाद यहाँ पर आप हल्का सा इसको ऐसे करोगे, ये इसके अंदर चला गया धागा, नज़र आ रहा है। अभी एरो भी बनाया हुआ है कंपनी ने कि यहाँ से आपने इसको लेके जाना है इस तरीके से नीचे। ये मैं पूरा नीचे ले आई हूँ इसको, ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एरो बना हुआ है अपवर डायरेक्शन में, कह रहा है ये ऊपर लेके जाओ। अभी मैं ऊपर लेकर आई हूँ थ्रेड जो है नलकी का ऐसे। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हुक बना हुआ है ये, अब मैंने ये इस हुक में से गुजारा है इसको यूं करके। अब यहाँ से जाके मैं डायरेक्ट इसको जो हमारी नीडल है नीचे सुई है उसके अंदर हम डाल देंगे इसको। मैं अभी तो ये सुई में धागा डाल गया है। यहाँ पे ऑप्शन है पैर को ऊपर नीचे करने का, और यहाँ पे अब मैं आपको इसके शटल चेक करवा देती हूँ। तरीके से डाला, इसको भी डालना बहुत आसान है, इसको ऐसे डाला। अब यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड पर देखें ये बना हुआ है निकालने का। अब यहाँ से बस मैंने इसको निकाल लिया ऐसे, इतना आसान होता है इसको बना हुआ है ना कट सा। यहाँ से मैंने ये थ्रेड निकाला, यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब मैं मशीन को ऑन करूंगी और वो जो सुई है ना ऊपर से नीचे जब धागा पिक कर लेगी तो उसको पकड़ के हमने बाहर निकालना है, और फिर ये वाला कैप लगाना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए मैंने अभी इसको स्टार्ट किया और ये सिटल का धागा आ गया बाहर, ये हमने इसको बाहर निकाल लिया ऐसे। ये हमने दोनों धागे जिस तरह से हम आम मशीनों में करते हैं सेम वैसे ही। अब मैं इसको ढक्कन लगाने लगी हूँ वापस, अब बाकी का काम समझाती हूँ मैं आपको। ये मर्जी आपको डिज़ाइन की सिलाई चाहिए, आपको ये वाली आपने बस इसको अभी जैसे अभी मैंने ये सीधी पर रखी हुई ना, क्योंकि मैं स्टिच कर रही थी। अब देखें इसके अंदर ये दरमियान वाली की हुई थी मैंने, एक इसके अंदर ये वाला ऑप्शन है कि साइड पर सिलाई देती है सुई ये वाला। फिर उसके अलावा और भी है, आपने इस तरीके से इसको रेगुलेटर को घुमाना है, और जोन से आपको सिलाई चाहिए मैं आपको करके भी दिखाऊंगी, आपने उस पर इस तरीके से इसको करते रहना है, ठीक है। अभी मैं वापस इसको दरमियान में कर देती हूँ। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये भी रेगुलेटर है, लेकिन ये इसकी जो रेगुलेटर है ना, इसकी जो सिलाई है ना उसके साइज़ का है। आपको छोटी सिलाई चाहिए, मैं टू पे रख के सिलाई करती हूँ, अगर आपको और छोटी चाहिए तो वन पे। ज़्यादा बड़ा टका करना, जैसे मुझे फ्रिल वगैरह बनानी हो तो मैं थ्री पे रख के बना लेती हूँ, फिर फ्रिल बनाने में आसानी हो जाती है। धागा पकड़ के खींचना पड़ता है एक, तो जितना बड़ा टांका होता है ना उतना ईजी होता है फ्रिल बनाने में। फिर उसके ऊपर एक और सिलाई लगा लो आप। और ये वाला जो है ना, इसका रिवर्स का ऑप्शन है, आप जो हम टाका पक्का करना बोलते हैं जिसको, ये वाला सिस्टम है, ये इसकी स्पीड का है। मैं इसको हमेशा ये जो दो पॉइंट है ना ये छोड़ के यहाँ पर रखती हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में मैं इसे सिलाई नहीं कर पाती। अच्छा, ये इसका बॉक्स है, ये मैंने आपको दिखा दिया था, इसके अंदर आप सामान वगैरह रख सकते हो। मैंने इसके पैर शेर रखे हुए, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से दबाऊंगी तो ऑन हो जाएगी, यहीं से दबाऊंगी तो ऑफ हो जाएगी। मैं आपको इसी कपड़े पर सिलाई करके दिखाती हूँ आपको। और इस वाली मशीन से ना सिटल भरना भी बहुत आसान है, यहाँ पर उसको पिक करो, हाथ में थ्रेड लो, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी भर के कैसे भरी। ये देखें इसकी स्पीड मैंने यहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। और टाँका जो है वो दो पे कर देती हूँ मैं इसका, ये जब ज़्यादा बड़ा टाँका चाहिए ना ज़्यादा छोटा। अब मैं इसको आपको सिलाई मैंने ये वाली रखी हुई है दरमियान वाली,
और मैं आपको इसकी सिलाई लगा के दिखाती हूँ। डार्क कलर का कपड़ा लिया है मैंने इसी वजह से, ये देखें इसकी सिलाई जो है वो बहुत नीट और बहुत साफ सिलाई है। और आपको उसका साउंड भी नज़र आ रहा है कितना है, और जो बल्ब लगा हुआ है ना उससे इतनी आसानी हो जाती है कि मैं रात को भी बैठ के आराम से सिलाई कर इसकी तेज कर ली ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। कितनी साफ इसने ये वाली सिलाई की आपको नज़र आ रहा है। आपने किसी चीज़ पे डिज़ाइनिंग करनी हो तो उसके लिए कितना अच्छा है, स्पेशली पाइचों वगैरह पे डिज़ाइन वगैरह करते हैं हम। अभी मैं आपको इसकी और सिलाइयाँ दिखाती हूँ। मैं इसका ये वाला टांका करने लगी हूँ, ठीक है। अब ये वाला चेक करें आप लोग, थोड़ा बड़ा ज़िगज़ैग है ये। ये देखें ये कितनी साफ सिलाई करती है। मैं इसका टांका ये वाला चेंज करने लगी हूँ। वाह, ये भी निकालना है। ये वाला जो टांका है ना ये ओवरलॉक में भी यूज होता है, लेकिन इसके लिए ना मुझे इसका पेयर चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बैक साइड से भी इसकी सिलाइयाँ दिखा देती हूँ कितनी साफ सिलाई है लगी हूँ ये वाली। अब इसका देखते हैं, टांका है इसके अंदर ये वाला। अभी मैंने जितने ही टांके करती है ना सारे आप लोगों को दिखा दिए। अब मैं ये वाला लगाने लगी हूँ। ये देखें ये सारे टांके देखें आप। अब मैं इसकी ना आपको ओवरलॉक करके दिखा देती हूँ। मैंने पेयर इसका ऊपर किया, इवन इसका स्विच चेंज करना है यहाँ से ओवरलॉक के लिए। देखिए यहाँ पे बटन बना हुआ है, इसको मैं ऐसे करूँगी तो ये वाला जो है इसका उतर गया है। ओवरलॉक वाला पेयर है वो मैंने जो जगह है ओवरलॉक वाली सॉरी जो पेयर की जगह है वहाँ पर रखा है। अब मैं अगेन इसको नीचे कर रही हूँ और ये देखना ये खुद ब खुद इसको पिक कर लेगा। मैंने ऊपर किया बस इतना आसान है इसका पेयर लगाना, ये देखें। तो ये इसका ओवरलॉक वाला पेयर लग गया। अब हम इसे ओवरलॉक करते हैं, मैं आपको बार बार ऊपर नीचे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। जब आपने इस मशीन से ओवरलॉक करनी है तो जो बड़े वाले ज़िगज़ैग है उस पर रखना है, और जो इसका टांका है वो हमने रखना है नंबर 4 पे। इससे बनी हुई है जिससे ना आपको पता चलना है कि आपने कपड़ा इस जगह पे रखना है ऐसे। ये देखिए अब मेरा ड्रेस जो है ये ओवरलॉक हो गया, दोनों साइड से दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके से मैंने अभी ये सारा ड्रेस ओवरलॉक करना है। ओवरलॉक के लिए ना धागे और पीको के लिए धागे अलहदा से मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे इस शटल का धागा ख़त्म हो गया था, मैं वो यहाँ पे भर रही हूँ तो आपको दिखा रही हूँ साथ साथ कितना आसान है शटल भरना भी। इसके अंदर साइड पे किया आपने लूप को, उसमें शटल लगाई और बस मशीन को स्टार्ट कर दिया जितना आपने भरना है, और जब आपका भर जाए तो उसके बाद आप मशीन को ऑफ कर दें और इसको कट कर लें बस यहाँ से। और मैं शटल जो है वो वापस शटल कोक में लगाऊंगी। सिंपली मैंने डाला और लेफ्ट साइड पर यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ, यहाँ से टक करके मैंने इसको निकाल लिया। अब ये मैंने इसका पीको वाला लगा लिया है पैर, और जो उसका लगा हुआ था वो उतार लिया लॉकडाउन की वजह से ना, जैसे ये वाले हैं ना पहले वाले पैर, अब इसके पैर ऐसे नहीं आया, ये वाला मिला है तो इसका पेज खोल के उतारते हैं जिस तरह से देसी मशीनों का होता है आम मशीनों का, सेम वही पेज खोल के ये वाला उतार लिया और ये जो पीको वाला ये लगा लिया। अब मैंने दुपट्टा पीको करना है, किसी रफ कपड़े पर दिखा देती हूँ ऐसा करते हैं पीको करके कैसे होगी, ठीक है। इधर रखा ऐसे, इसको हल्का सा मोड़ा यूं करके लेफ्ट साइड पर, और मशीन की जो सिलाई है यहाँ पे सबसे जो सेटिंग है ना इसके, ये जो बड़े वाला ज़िगज़ैग है ये देखें, ये जो बड़े वाला ज़िगज़ैग है यहाँ पे लेकर आई हूँ। और टांका जो है इसका मैंने किया है 2 नंबर पे, स्पीड तेज़ ही है इसकी। अब यहाँ से जो है हल्का सा कपड़ा जो है वो मैं इस तरीके से टर्न करने लगी हुई हूँ जैसे पीको के लिए करते हैं, ठीक है। मैं इसकी सिलाई ओपन कर रही हूँ, तो ये देखिए हमारी पीको भी हो गई है, कितनी साफ सुथरी नफासत से हो गई है पीको। और आप इसके साथ मोती वाली पीको भी कर सकते हैं, मैं भी लाऊंगी ना मोती, तो उसके बाद जब मैं ग्रीन वाले दुपट्टे पे लगाऊंगी तो आपको करके दिखाऊंगी। और देखें दूसरी साइड पे ओवरलॉक हुई हुई है, कपड़ा ज़्यादा मोटा था तो ज़्यादा नफासत से हुई है ओवरलॉक, पिंक वाला ज़्यादा पतला था कपड़ा तो उस पर मुझसे इतनी नफासत से नहीं हुई जितनी इस पर हुई थी। तो मैंने ये सैंपल भी, जो मेरी मशीन है उसका मॉडल नंबर उसका सारा यूज़ मैंने आपको बता दिया है। मैं उससे आपको कुछ ड्रेस के डिज़ाइन भी स्टिच करके दिखा दूंगी। इतना तंग किया है ना बच्चों ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, आपकी सोच है
सुबह से वीडियो बनाना शुरू किए मैंने, और अभी इस टाइम में मेरे ख्याल से 7 बज चुके हैं या 6:30 हो चुके हैं, अब जाके वो वीडियो ख़त्म हुई है। इस वजह से मैं स्टिचिंग की वीडियो नहीं डालती हूँ, मैं स्टिचिंग करती हूँ रात को जब बच्चे सो जाते हैं। तो फिर भी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए कुछ ना सही तो एक दो डिज़ाइन तो लाजमी स्टिच करके डाल दूँ, ताकि आप लोगों को स्टिचिंग भी नज़र आ जाए इसकी, क्योंकि इसकी स्टिचिंग बहुत प्यारी है आम मशीन की निस्बत। सिर्फ आपको एक दफ़ा समझना पड़ेगा इसके फंक्शंस वगैरह, लेकिन ईजी टू यूज़ है, मैंने आपको समझाए हैं सारे। तो मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, शॉप का एड्रेस नंबर लिख दूँगा मैं नीचे, अभी बलाज बहुत तंग कर रहा है मुझसे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।